राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जब बात करने वाले हैं एक बहुत ही ढंग की ठीक ठाक कंपनी है, उसका आईपीओ खुलने वाला है। ये एसएमई कंपनी है, छोटी कंपनी। सो इसकी जो आईपीओ की है उसकी चर्चा करने वाले हैं कि आज के दिन इसमें क्या पॉजिटिव्स हैं कंपनी के बारे में और क्या नेगेटिव्स हैं। उसी हिसाब से हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या रह सकता है। एज पर एनालिसिस, इट विल नॉट गो बी ए रिकमेंडेशन, इट जस्ट एन एनालिसिस। ओके, सो यहाँ पे पहले बेसिक डिटेल को अगर देखते हैं, यहाँ पे 6 मई से 9 मई के बीच में आईपीओ खुलने वाला है, जिसमें हम अप्लाई कर पाएंगे। कंपनी का नाम है रेफ्रैक्टरी शेप्स। ओके, ईंट बनाने का काम करती है कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी ने जो अपना प्राइस रखा है वो 31 रुपीज़ का कट ऑफ प्राइस रखा है, और आपको एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए 1,24,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे कंपनी जो है 18,60,00,000 रुपये उठाना चाह रही है इस आईपीओ के थ्रू, और कंपनी ने खुद की जो वैल्यू लगाई है वो 67,58,00,000 रुपीज़ लगाई है। सो 60 करोड़ रुपये के आसपास में लगवा के 70 करोड़ के आसपास में लगवा के 18 करोड़ रुपये उठा रही है, तो यहाँ पे ठीक ठाक शेयर्स कंपनी के मालिकों के पास में रह जाने वाले हैं। सो अभी तक तो ठीक है मामला। नेक्स्ट, एसएमई एनएससी के ऊपर में लिस्ट होने वाली है, बीएससी पर नहीं है। और बिचौलियों को जो पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब शेयर्स जो दिए जा रहे हैं, वो लगभग कितना 1.5% के आसपास में दिए जा रहे हैं। सो दैट्स अगेन नॉर्मल। सो एवरीथिंग इज नॉर्मल टिल नाउ। अब कंपनी देख लें, कंपनी करती क्या, तो कंपनी ईंट भट्टे बनाने का काम करती है। सो कि डिफरेंट टाइप्स के जो घरों में ईंट होती है वो भी बनाती है, जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं या फिर जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे अलग टाइप की ईंट्स लगती हैं, अलग अलग टाइप के मेटल्स यूज होने वाली ईंटें लगती हैं। सो जो फैक्ट्रीज के अंदर में अलग अलग टाइप की फैक्ट्री, जो पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री होगी उसमें अलग टाइप की लगेगी, कोई भट्टी वाली फैक्ट्री होगी उसमें ईंटें तो दूसरे टाइप की लगेगी, हीट बाहर ना आए। और अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का अगर वो ऑपरेशन वाली कोई कंपनी है तो वहाँ पे इस टाइप की लगेगी, जो एनर्जी है वो बाहर फ्लो ना करे। वाटर वाली अगर कोई फैक्ट्री होगी तो वाटर से रिलेटेड, तो वहाँ पे अलग टाइप की ईंट्स यूज होंगी कि लॉन्ग टर्म लाइफ रहे। कई बार हल्की ईंटों की जरूरत पड़ती है, तो ये जो डिफरेंट टाइप की जो ईंट्स होती हैं वो कंपनी बनाती है आज के दिन में। सो कंपनी का काम तो बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि अच्छा काम है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडिया के अंदर में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, रोड्स बढ़ रहे हैं और नई नई कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। सो फैक्ट्रीज का सेटअप भी अच्छा रहेगा, और ये चीज़ों का क्या मेंटेनेंस चलता ही रहता है तो कंपनी का काम भी चलता ही रहेगा। सो दैट्स नाइस, राइट। अब यहाँ पे एक गोल ईंटें, जैसे यूजुअली गोल ईंटों की जरूरत पड़ती है, अलग अलग शेप्स की जो ईंटें होती हैं वो भी सब बनाती है। सो अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के पास में अब आज के दिन किस तरीके से अभी तक प्रॉफिट कर पा रही है कंपनी ये ईंट भट्टी बेच के। सो ये 21 करोड़ का सेल कर पाई 21 के अंदर में, और 26 करोड़ का सेल कर पाई 22 में, और 38 करोड़ का सेल कर पाई दैट्स 23 के अंदर में, और अभी जो है पिछले 9 महीने के अंदर में ही 30 करोड़ का सेल कर पा चुकी है, दैट्स अगेन नाइस। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी 1.5 करोड़ से 3 करोड़ डबल हो गए, जबकि प्रॉफिट रेवेन्यू डबल नहीं हुआ। फिर यहाँ पर रेवेन्यू अगेन इंक्रीज हुआ, बट प्रॉफिट्स जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो गए, बट इस साल अगेन प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, वो भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ में। सो अगर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पर पिछले साल जो है लगभग कितना परसेंट से, लगभग 5% के आसपास में नेट प्रॉफिट्स कंपनी जनरेट कर पाई है। और यहाँ पर अगर देखते हैं हम लोग तो इस साल जो है कंपनी 10% के आसपास में नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाई है। नाउ दैट्स अगेन गुड। 1 सेकेंड होल्ड करिएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी का जो नेटवर्थ है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर इंक्रीजिंग लेवल के अंदर में जा रही है, बट दिक्कत यहाँ पे है कि जो नेटवर्थ है वो यहाँ पर अचानक से डिक्रीज हो गई है, बिकॉज कंपनी ने कंपनी के ही पैसे निकाल के अपने जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है उसको बढ़ाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी के अंदर से पैसा बाहर निकला है, रिजर्व्स बाहर निकले हैं। इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे अभी आगे चल के वीडियोज में, ये कम क्यों हुआ, इट्स नॉट ए नेगेटिव थिंग बट इट्स स्टिल काइंड ऑफ नेगेटिव एज वेल। अब यहाँ पे नेट रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं वो भी अच्छे खासे नीचे हुए हैं, नेट बोरोइंग्स जो है कंपनी की बोरोइंग्स भी बढ़ती जा रही है, जो कि 20 करोड़ से 23 करोड़। सो ये नेगेटिव्स हैं, जैसे बोरोइंग्स बढ़ जाना ये नेगेटिव है कंपनी के बारे में। अब चलते हैं कि कंपनी अभी ठीक, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब कंपनी पैसे उठाना क्यों चाह रही है, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये कि अपनी को कंपनी को एक एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, उसके लिए उसको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लगानी है नई यूनिक, और जो दूसरा जो काम है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब यही काम कि कंपनी को नया फैक्ट्री सेटअप करना है अपना माल को बनाने के लिए, उसी के लिए कंपनी को कैपेक्स चाहिए, ठीक है। बाकी परचेज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है, मतलब ट्रक वगैरह कुछ खरीदना होगा कंपनी को, क्योंकि वही कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज, जो बेसिक आईपीओ लाने के लिए जो खर्चा वर्चा होता है उसके लिए पैसों की जरूरत है,
सो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट अगर चलते हैं कि कंपनी का हम डेटा को देखते हैं कि कंपनी के ऊपर में कोई केस वेस, अगर कोई एम्प्लॉयज़ के ऊपर में केस चल रहा है तो यहाँ पर कोई केस वगैरह कुछ खास नहीं चल रहा, टैक्स प्रोसीडिंग्स वाला केसेस चल रहे हैं। तो इनमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 15 लाख एक जगह पर है अगेंस्ट द कंपनी, और यहाँ पर एक अगेंस्ट प्रमोटर 5 लाख का, सो 20 लाख का यहाँ पर दिक्कत चल रहा है कुछ। और केसेज जो टैक्स प्रोसीडिंग के क्रिमिनल प्रोसीडिंग के नहीं है, सो दैट्स अगेन ओके। टैक्स प्रोसीडिंग के केस तो नॉर्मल छोटा मोटा बिजनेस खोलोगे तो इतने में हो ही जाते हैं एक दो, तो क्योंकि समझ में आता नहीं है, बिजनेस खोल लेते हैं समझ में आता नहीं है टैक्स का क्या करें, अब किस तरीके से करें, तो फिर वो केस होता है, केस होता है तो फिर ज़्यादा पैसे जाते हैं, ज़्यादा पैसे जाते हैं तो फिर कोर्ट जाओ, कोर्ट से फिर वो लड़ो, ये लफड़ा चलता रहता है। इसलिए आपको नॉर्मली टैक्स प्रोसीडिंग तो मिलेगा, मिल ही जाता है हर जगह पर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि अभी आज के दिन किस तरीके से कंपनी के पास में प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये कंपनी के पास में आज के दिन 2 फैक्ट्रीज़ हैं यूज नॉर्मली, और एक हेडक्वार्टर ऑफिस है, मगर उनमें से किसी भी प्लेस को कंपनी ओन नहीं करती है, ठीक है। और आगे जो कंपनी कैपेक्स करने वाली, जो खर्चा करने वाली है नई फैक्ट्री सेटअप के लिए, वो भी कंपनी जो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलरेडी उन्हीं के ऊपर में करने वाली है। बट ध्यान रखिएगा कि ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में एक फैक्ट्री तो इनकी, और एक मुंबई के महाराष्ट्र के अंदर में जो कि अगेन रेंटेड ही है, तो वहाँ पर भी कुछ कंपनी के पास में कुछ खुद की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो बेसिकली देखा जाए तो खुद के पास में एसेट्स की जो क्वालिटी है, एसेट्स खुद के कुछ खास हैं नहीं, जो कि नॉन डिप्रिशिएबल जो एसेट्स होते हैं वो नहीं है कंपनी के पास में। हाँ डेप्रिशिएट जो एसेट्स होते हैं वो तो हैं कंपनी के पास में, अगर उनकी चर्चा करते हैं यहाँ पर, तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में अगर देखते हैं तो कंपनी के एसेट साइज में टेंजिबल्स एसेट्स जो हैं इनके अंदर में ये जो एसेट्स हैं ये सारे के सारे रेंटेड हैं, इनमें कंपनी का कुछ भी नहीं है। और ये करंट इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं कहीं ना कहीं पर। इन्वेंट्रीज कंपनी के पास में आज के दिन 15 करोड़ की ईंट भट्टियाँ पड़ी हुई हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले कम किए हैं, इसका मतलब पहले से ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छे खासे चल रहे थे, माल बिक चुका है, पैसा नहीं आया है। कैश एंड कैश बैंक 3 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो हमने बात की थी वो कि जो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं वो किस तरीके से कम हुए हैं, तो यहाँ पर आप पहले देखेंगे कंपनी के पास में खुद के जो ऑथोराइज कैपिटल थी वो यहाँ पर शेयर कैपिटल वो 10 करोड़ ही थी, राइट, 10 लाख रुपये 10 लाख ही थी। उसके बाद में उसको इंक्रीज करवा के यहाँ पर 15 करोड़ तक ले जाया गया है ऑथोराइज्ड कैपिटल को। तो ये जो पैसा यहाँ से रिजर्व से निकल के फिर यहाँ गया है, और जो पैसा पीछे बचा है वो यहाँ पर भी बचा हुआ है। सो बेसिकली ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने के लिए कंपनी ने फंड को यूज़ किया है। तो इससे क्या होता है कि शेयर कैपिटल जो होता है वो वहीं पर रह जाता है, 19 करोड़ का 19 करोड़ ही रह गया, मतलब 16 करोड़ से इंक्रीज ही हुआ है। सो कंपनी में पैसा और आया है, गया नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी की बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को फिर से और पैसों की जरूरत पड़ी है, क्योंकि खर्चा करना पड़ेगा ऑफ कोर्स पैसा लाने के लिए। सो बैलेंस शीट में तो कोई कुछ खास दिक्कत मुझे नज़र आई नहीं है, क्योंकि ये यूजुअली ये ट्रेड रिसीवेबल्स मेन दिक्कत करता है, और ट्रेड पेएबल दिक्कत करता है। सो ट्रेड पेएबल भी कम हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो रहा है, सो दैट्स अगेन ओके। एंड बाद में प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो पीएनएल स्टेटमेंट में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट्स कमा रही है, ठीक ठाक कमा रही है, दैट्स अगेन ओके। और कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो भी इज़ ओके ओके, नॉट दैट ग्रेट बट इट्स फाइन। इस साल कैश फ्लो जो है कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो नेगेटिव में है, बिकॉज कंपनी ने ट्रेड्स पेएबल, कंपनी ने पैसा चुकाया है जिनसे कंपनी ने पैसा उठा रखा था, उनको मतलब माल खरीदा था उनको पैसा चुकाया, पहले चुका नहीं रखा था वो पैसा चुकाया। सो ओवरऑल अभी तक तो कंपनी के बारे में सब कुछ ठीक लग रहा है, और बाकी फ्यूचर को प्रोस्पेक्ट को अगर ध्यान में देखते लेके चलते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि कंपनी का आई थिंक फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो सकता है, क्योंकि 67 करोड़ की कंपनी इन्होंने लगाई है, क्योंकि खुद के पास में कुछ एसेट्स हैं नहीं, तो उस हिसाब से काफ़ी महंगी भी लग रही है। बट बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंड जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है, 29 करोड़ का हो गया, और जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है यहाँ पे, इस साल 29 करोड़ का, तो इस साल जो है अगर प्रोजेक्शन देते हैं तो 40 करोड़ के आसपास में टच कर देगा, और ये जो है 4 करोड़ के आसपास में पहुंच जाना चाहिए। सो 70 करोड़ की जो कंपनी हो वो 4 करोड़ रुपए साल का कमा ले, तो वो जो पी रेशियो निकल के आता है वो 15-16 के आसपास पी रेशियो निकल के आता है। तो अब इसी चीज़ को कि इसी सेक्टर में दूसरी कंपनियां जो काम कर रही हैं उनके साथ में एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, ताकि इस टाइप की कंपनियों को जो स्टॉक मार्केट है उसने क्या वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे कंपेरिजन के लिए हमारे पास में 2 कंपनियां, SP रिफ्रैक्टरीज एंड IFGL रिफ्रैक्टरीज। इन दोनों कंपनी मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, अब देख लेते हैं अभी 2 मिनट में, राइट।
तो सबसे पहले तो पी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। पी रेशियो प्रेजेंट डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करें कि पास्ट डेटा के हिसाब से, तो इनका जो कैलकुलेशन हो रखा है वो प्रेजेंट डेटा के हिसाब से हो रखा है टीटीएम बेसिस पर। सो टीटीएम बेसिस पर ही हम करेंगे। सो यहाँ पे 3 करोड़ की 4 करोड़ का प्रोजेक्शन सेल हो जाएगा और प्रोजेक्शन के हिसाब से 67, यहाँ पे जो पी रेशियो निकल के आ जाएगा 67/4 करोड़। सो ये 17 का पी रेशियो आ गया। तो इसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे इसका 28 का पी रेशियो है और इसका 25 का पी रेशियो है। सो दोनों से ही अच्छा कमा रही है, कमाई ठीक ठाक कर रही है दोनों के मुकाबले। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग पी बी रेशियो की कंपेरेटिवली बुक वैल्यू के हिसाब से, जितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है नेटवर्थ के हिसाब से, उस हिसाब से कितना ऊपर चल रहा है। सो आज के दिन 4 करोड़ की इसकी नेटवर्थ, मेरे सबसे इसके 4 करोड़ बहुत गलत लगा रखी है। नेटवर्थ जो इसकी होनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कंपनी का ही अंदर में पैसा लगा हुआ है, सो इसकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो शेयर कैपिटल भी उसमें इंक्लूड किया जाता है हमेशा। सो शेयर कैपिटल इंक्लूजन में अगर आता है तो यहाँ पे 19 करोड़ की इनकी जो है कैलकुलेशन में आनी चाहिए। 19 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो तो यहाँ से आ गए, एंड फिर कितने रुपये उठा रहे हैं, 18 करोड़ रुपये और उठाए उन्होंने, 38-37 करोड़ हो गए। 37 37 से बाद 37 67/37। तो ये हो गया 1.8 का पीबी रेशियो। तो इसको हम कंपेयर करके देखते हैं तो इसका है 3.5 का, जो कि बड़ा ज़्यादा है, और ये भी 2.3 का। सो ये अपने हिसाब से दोनों के मुकाबले जो खुद की जो वैल्यू लगाई है कंपनी ने वो भी कम लगाई है। सो वैल्यू भी कम है, कमाई भी ज़्यादा अच्छी कर रही है। इसका मतलब जो कॉम्पिटिशन में जो कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, उनके मुकाबले कंपनी जो है ऊपर जाने का ज़्यादा प्रोस्पेक्ट रखती है, ऐसा फील होता है। और कंपनीज के जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका अगर चार्ट को, पैटर्न को अगर देखते हैं तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से वो सपोर्ट लेके और ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं। दैट शोज कि कंपनी के जो है स्टॉक प्राइस और भी ऊपर की तरफ में जा सकता है, देर आर चांसेस। सो फंडामेंटली भी ठीक लग रही है अभी तक, और कंपेरिजन के बेसिस पे भी ठीक लग रही है। पी पी बी रेशियो भी ठीक है, कमाई भी ठीक है। सो आई थिंक इसका जो जी एम पी रेशियो रहना चाहिए वो भी अच्छा खासा रहना चाहिए आई थिंक। सो अगर इसका जी एम पी रेशियो भी अगेन 50% से अबव रहता है तो बहुत ही अच्छा ये बैट रह सकता है फ्यूचर के हिसाब से। तो अभी तो जी एम पी रेशियो इसका आया नहीं है, 0% ही है। तो जब हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे आईपीओ के अंदर में तो 9 तारीख से पहले एक बार देख लें, जी एम पी रेशियो अबव 50 रहता है। सो मैं पर्सनल लेवल के बारे में बता सकता हूँ, आप क्या करते हैं वो आप अपनी रिसर्च के हिसाब से पता कीजिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं। तो 50% से ऊपर रहता है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लक इन दिस। दैट्स ऑल, एंड कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।